दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सास की बिगड़ती स्थिति को देखकर तनु दुखी थी। वह माँ जी को भरपूर सुख और आराम देना चाहती थी, पर घर में काम इतना अधिक रहता था कि वह चाह कर भी माँ जी की सेवा के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाती थी। जब से एक दुर्घटना में आभा के पैर की हड्डी टूटी, वह सामान्य नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऑपरेशन द्वारा पैर में नकली हड्डी डाली गई थी जो उन्हें जब तब बेचैन कर देती और वह दर्द से घंटों कराहती रहती। कहती, बहू, डॉक्टरों ने मेरे पैर में तलवार तो नहीं डाल दी, बड़ी चुभ रही है। दोनों बेटे उन्हें विश्वास दिलाते कि वे उनके पैर का ऑपरेशन दोबारा से करा देंगे, चाहे कितना भी रुपया क्यों न लग जाए। आभा झुंझला उठती, मेरे बूढ़े जिस्म को कितनी बार कटवाओगे, साल भर से यही कष्ट तो भोग रही हूँ, पहले दुर्घटना फिर ऑपरेशन, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहूँगी। डॉक्टर से जब उनकी परेशानी बताई जाती तो वे आश्वासन देते कि उनका ऑपरेशन संपूर्ण रूप से सफल हुआ है, उन्हें धीरे धीरे सहन करने की आदत पड़ जाएगी। आभा बेंत के सहारे धीरे धीरे चलकर अपने बेहद जरूरी काम निपटाती, परंतु उनका हर काम बड़ी मुश्किल से होता था। वह रसोई घर में जाने का प्रयास करती तो छोटी बहू तनु उन्हें सहारा देकर वापस उनके बिस्तर पर ले आती और थाली परोसकर उन्हें वहीं बिस्तर पर दे जाती। बेटे कहते, माँ, दो बहुओं के होते हुए तुम्हें रसोई में जाने की क्या ज़रूरत है। आभा दुखी स्वर में कहती, कब तक बहुओं पर बोझ बनी रहूँगी। बेटों ने माँ की सेवा करने के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दी, परंतु बड़ी बहू लीना के काम ही इतने अधिक हो जाते कि नौकरानी को आभा की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। लीना चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत पूरे घर में किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि वह धनी घर से आई थी। घर में आधुनिक सुविधाओं के साधन, फ्रिज, रंगीन टेलीविज़न और स्कूटर आदि सामान अपने साथ लाई थी। नकद रुपए भी इतने मिले थे कि छत पर बड़ा कमरा उसी से बना था। घर के लोगों के दब्बूपन का भरपूर लाभ लीना उठा रही थी। वह घर के कामों में हाथ न बटाकर अधिकांश समय ऊपर अपने कमरे में रहती थी और लीना नौकरानी को पुकार कर ऊपर ही अपने लिए चाय, बच्चों का दूध मंगाती रहती। तनु ने नौकरानी पर सख्ती बरती, तुम्हें माँ जी की सेवा के लिए रखा गया है तो वही करो, फालतू का काम क्यों करती हो। लीना तनु की बात से चिढ़ गई। तनु का मायका उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। फिर जब घर के लोग कुछ नहीं कहते तो वह कल की आई छोकरी कौन होती है मुंह चलाने वाली। लीना ने ऊपर से ही लड़ना शुरू कर दिया कि छोटे बच्चे होने के कारण नौकरानी की ज़रूरत उसे अधिक है, ना कि माँ जी को। घर में फूट ना पड़े इस डर से माँ जी ने सबसे कह दिया कि वह बगैर नौकरानी के अपना काम चला लेंगी, उनका काम ही कितना होता है। तनु को सास में अपनी माँ नज़र आती। वह उन्हें घिसट घिसट कर पूजा का कमरा धोते व कपड़े धोते देखती तो दुखी हो जाती। वह जेठानी से भी लगाव रखती और पूरे परिवार की एकता बनाए रखने का भरसक प्रयास करती थी, मगर लीना की नज़रों में तनु उसी दिन से आँख की किरकिरी बन गई थी। वह उसके खिलाफ बोलने का मौका ताकती और जब मौका मिलने पर बोलना शुरू करती तो उसकी सातों पुश्तों को कोस डालती। तनु फिर भी शांत बनी रहकर अपने आप को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती रहती। रवि कहता, तुमने भाभी के खिलाफ बोलकर उनसे दुश्मनी पाल ली। जब भैया कुछ नहीं कहते तो तुमने क्यों कहा, मुझसे माँ जी का कष्ट देखा नहीं जाता। फिर नौकरानी माँ जी के लिए रखी गई थी, इस घर के मालिक हम नहीं, भैया भाभी हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। रवि ने अपनी लाचारी दिखाई। यद्यपि वह माँ को बहुत चाहता था, पर उनके सुख आराम के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसका वेतन बहुत साधारण था। वह माँ से आराम करने को कहता, पर वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी ऊब जाती। वह दुर्घटना से पहले की अपनी दिनचर्या जैसी अब भी उसी प्रकार जीना चाहती थी। एक दिन रवि ने अपनी माँ को
पूजा घर की सफाई करते देखा तो शक्ति दिखाते हुए बोला, माँ मिट्टी पत्थर के इस भगवान पर फालतू का विश्वास करना छोड़ दो। तुमने इनकी इतनी अधिक पूजा की, इन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, फिर भी यह तुम्हारे साथ होने वाला हादसा नहीं रोक पाए। तू हमेशा नास्तिकों जैसी बातें करता है। यह क्यों नहीं सोचता कि दुर्घटना में मेरी जान बच गई, भगवान की कृपा न होती तो मैं मर जाती। तुम फालतू की अंधविश्वासी हो। आभा के ऊपर बेटे बहुओं के समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। वह पैर के दर्द से कराहती हुई घिसट कर बाल्टी भर पानी से गणेश जी की तांबे से बनी प्रतिमा को रेत से मांझ कर धोती और आरती उतार कर लड्डुओं का भोग लगाती, तब जाकर भोजन का कौर उनके गले से नीचे उतरता था। तनु को अटपटा लगता कि ऐसे तो माँ जी का कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा। एक दिन तनु दरवाजे के बाहर खड़े ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और नौकरानी जैसी लग रही थी। तनु ने पुकारा तो वह लड़की उसके नज़दीक चली आई। पूछताछ करने पर पता लगा कि उसका नाम माया है और वह कुछ घरों में बर्तन कपड़े धोने व सफाई का काम करती है। तनु ने उससे 500 रुपये महीने पर माँ जी का पूरा काम करना तय कर लिया और सख्ती से ताकीद कर दी कि वह घर के किसी अन्य सदस्य के बहकावे में आकर माँ जी का काम नहीं छोड़ेगी। माया ने उसी दिन से माँ जी का काम करना शुरू कर दिया। उनका कमरा धोया, बिस्तर की चादर बदली और पैरों की मालिश की। माँ जी छोटी बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर खुशी से गदगद हो उठी और देर तक बहू को आशीर्वाद देती रही तथा उसकी प्रशंसा करती रही। सास द्वारा तनु की प्रशंसा सुनकर बड़ी बहू लीना जल भून कर राख हो गई और कहे बिना नहीं चुकी कि छोटी ने अपने पास से 500 रुपये महीने नौकरानी पर खर्च करके कोई तीर नहीं मार लिया। वह क्या घर के लिए कम खर्च कर रही है? पूरे दिन की नौकरानी तो उसी के पैसों की है। तनु जेठानी की बात का बुरा न मानकर उसे समझाती रही कि दीदी, हम दोनों माँ जी की बेटियों के समान हैं, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लीना बदले की आग में झुलसती रही। उसे बुरा लगता कि सास ने तनु की रखी नौकरानी की जितनी प्रशंसा की उससे आधी भी कभी उसके मायके से मिले दहेज की नहीं की थी। लीना चिढ़ती रही और तनु को नीचा दिखाने की ताक झांक में लगी रही। सास का स्नेह तनु के तन मन में हिलोरे भर देता। उसने पति से कह दिया कि वह अपने खर्चे में से कटौती करके माया का वेतन चुकाती रहेगी। कम से कम सास को आराम तो मिल रहा है। धीरे धीरे माया आभा के साथ सगी बेटी जैसी घुल मिल गई। वह रसोई में जाकर उनके लिए चाय व फुलके बना लाती, खिचड़ी बनाकर अपने हाथ से खिला देती। एक बार माया को किसी काम के सिलसिले में 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ गई तो आभा की परेशानी अधिक बढ़ गई। अब तो उन्हें अपने हाथों पानी की बाल्टी उठाने की आदत भी छूट चुकी थी। ऐसे में पूजा घर की सफाई धुलाई किस प्रकार से की जाए? तनु की भी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ काम कर सके, क्योंकि वह गर्भावस्था में चक्कर और उल्टियों से परेशान थी। फिर डॉक्टर ने उसे वजन उठाने के लिए मना कर रखा था। माँ की परेशानी को देखकर बेटों ने उनके पूजा घर में ताला लगाते हुए कह दिया, कभी 2-4 दिन गणेश जी को भी आराम कर लेने दो, माया आएगी तो सफाई धुलाई कर लेना। पूजा घर में ताला डाले अभी 3रा दिन ही बीता था कि उस बंद कमरे से आती बदबू के कारण घर में बैठना कठिन हो गया। शायद कोई चूहा मर कर सड़ गया था। माँ की चिंता व बेचैनी देखकर बेटों ने पूजा घर की चाबी माँ को थमा दी और अपने काम पर चले गए। गणेश जी की प्रतिमा से चिपके सड़े चूहे के जिस्म पर रेंगते कीड़ों को देखकर किसी की भी हिम्मत पूजा घर की सफाई करने की नहीं हुई। ऐसी गंदगी को कौन हाथ लगाए? घर के लोगों ने जब जमदार को बुलाकर चूहा फिकवाने की बात की तो माँ जी बिदक गई और बोली, हमारे पूजा घर में जमादार के जाते ही उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जमादार तो साक्षात चांडाल का रूप होता है। वह बेटों पर क्रोधित होती रही।
यदि वे पूजा घर में ताला बंद नहीं करते तो वहाँ चूहा नहीं मरता। बेटे कहते रहे, तुम थाली भर भर कर लड्डू गणेश जी को भोग लगाती हो, तभी पूजा घर में इतने अधिक चूहे हो गए हैं। माँ और बेटों में सड़े चूहे को लेकर वाद विवाद चलता रहा, पर आभा किसी भी प्रकार नीच जाति के आदमी से गणेश जी की प्रतिमा का स्पर्श कराने को तैयार नहीं हुई। पूरा दिन घर के लोग पुरानी नौकरानी को डांट डपट कर मरा चूहा उठाने को तैयार करते रहे, पर वह कहती रही कि यह काम माया का है, वही करेगी। अगले दिन सुबह माया आई तो सभी ने चैन की सांस ली। वह आते ही पूजा घर की सफाई में जुट गई। उसने चूहा उठाकर फेंक दिया और गणेश जी की प्रतिमा को पहले तो रेत से रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर साबुन लगाकर नहलाया, फिनाइल डालकर पूजा घर की सफाई की। वह कई अगरबत्तियां जलाकर गणेश जी के सामने रख दी। आभा मुग्ध भाव से माया को देखती रही और उसके काम की सराहना करके बार बार प्रशंसा करती रही। माया सफाई का काम पूरा करके दो गिलासों में चाय डालकर ले आई, एक माँ जी को थमा दिया और दूसरा अपने मुंह से लगाकर चाय पीती हुई लापरवाही से बोली, अम्मा क्यों हमारी इतनी तारीफ करती हो, मरा हुआ चूहा हम नहीं फेंकेंगे तो कौन फेंकेगा। सफाई करना तो हमारा खानदानी काम है, हमारे दादा म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी थे, माँ अस्पताल में मरीजों की गंदगी फेंकती है, पिता व चाचा मुर्दा घर की लाशें ढोते हैं। माया के मुंह से उसके खानदान के बखान को सुनकर माँ जी की बोलती बंद होने लगी। वह लड़खड़ाती जबान से पूछने लगी, माया तेरी जाति क्या है। हम वाल्मीकि हैं माँ जी, माया ऐसे बोली जैसे कितनी बड़ी पंडा पुरोहित हो। वाल्मीकि यानी कि जमादार। हाँ अम्मा आप चाहे जो कह लो, वैसे हम हैं तो वाल्मीकि। माया की बातें आभा के कानों से टकरा कर वापस लौट रही थी। एक ही बात उनकी समझ में आ रही थी कि माया अछूत कन्या है और उनके पूजा घर की सफाई अब तक उसी के हाथों से हो रही थी। हाय सब कुछ अपवित्र हो गया, माँ जी कराह उठी थी। तनु रसोई घर से माया की तरफ लपकी कि किसी प्रकार से इसे चुप करा सके, पर माया तो न जाने क्या क्या उगल चुकी थी और सकपकाई जड़ पड़ी माँ जी से। वह पूछ रही थी, क्या हुआ अम्मा। लीना को आज बदला चुकाने का अवसर मिला था, फटाक से आकर उसने माया के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। कलबुही कैसी भोली बन रही है, पूछ रही है क्या हुआ। अरे क्या नहीं हुआ, तूने माँ जी का सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। गलती तो सारी छोटी बहू की है, जानबूझकर घर में जमादारिन को ले आई, लीना डांटने के अंदाज में बोली। तनु भय से थर थर काँप रही थी, कितनी बड़ी गलती हो गई उससे। वह माया को काम पर रखने से पहले उसकी जाति पूछना भूल गई थी। वह सास के पैर पकड़कर रोने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। माया भी रो रही थी, बड़ी बहू ने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उसका गाल लाल हो गया था, उस पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। अच्छा अब हम चले अम्मा, हमसे गलती हो गई, हमने मरा चूहा फेंक कर गलती की, अपने खानदान की प्रशंसा करके गलती की। हम अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं अम्मा, हमें अपनी पगार भी नहीं चाहिए। माया उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। माँ जी को जैसे होश आया लपक कर माया का हाथ कस कर थाम लिया और बोली, अम्मा को किसके सहारे छोड़कर जा रही है, अभी मेरा आखिरी वक्त नहीं आ गया कि तू छोड़कर चल दी। और छोटी बहू तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, यह रोना बंद करो और जाकर मुंह धो लो। क्या माँ जी आप, तनु आश्चर्य से अटक अटक कर बोली। उसकी समझ में माँ जी का यह बदला हुआ रूप नहीं आ रहा था। बाजी उल्टी पड़ती देख लीना चुपचाप ऊपर चली गई। माया की रुलाई फिर से फूट पड़ी थी, पर यह खुशी के आंसू थे। अम्मा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हारा पूजा घर अपवित्र कर दिया था। माया को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नौकरी बनी रहेगी, किसी ने कुछ अपवित्र नहीं किया। माँ जी निर्णयात्मक स्वर में बोली, अपवित्रता तो मेरे मन में थी जो अब हमेशा के लिए निकल चुकी है। जा बेटी माया, तू रसोई घर में जाकर अपने हाथों से मेरे लिए व अपने लिए रोटी सेक कर ले आ।
आज हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। माया दौड़ती हुई रसोई घर में चली गई। माँ जी तनु से कह रही थी, आज से सारी छुआछूत बंद। इस माया ने बेटी से बढ़कर मेरी सेवा की है, जरा सी बात पर क्या इसे निकाल दूंगी? और अगर यह चली गई तो मैं जीऊंगी कैसे? मेरी सेवा मेरी देखभाल कौन करेगा? छोटी बहू, तुम्हारी यह खोज मेरे लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है। माया ने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। तनु मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जेठानी चाहे कितनी कोशिश कर ले, माँ जी के प्यार का पलड़ा उसी की तरफ भारी रहेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।